क्या बात, एक यूपी की बेटी और एक बिहार की बेटी। आइए, आपका आशीर्वाद और आपकी आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। बहुत कल से एक फोटो ले लूं भाई। बहुत बिहार और यूपी की बेटी के लिए एक जोरदार ताली। पिपरा के धरती में आदरणीय संतोष जी, मुखिया जी और चंदन बाबू के द्वारा दोनों का मिलाप किया हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बज जाए। बात अगर समझ में आई तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि यूपी बिहार कुछ नहीं, जितना प्यार मुझे बिहार में मिलता है वो विश्व में कहीं नहीं मिलता है, और खासकर पिपरा में। और मैम से मेरा ये विनती है कि मैम, मेरी एक फरमाइश है आपके लिए कि सैया ले जा तू गबनवा, ये आप जरूर सुनाइएगा। थैंक यू। पिपरा के लोग बहुत प्यार करे छे कलाकार के। हम जब भोजपुर जाए छे ना, आरा छपरा जे भी देवरिया बक्सर जहां से भोजपुरी शुरू छे, इतना मोहब्बत प्यार आशीर्वाद मिले छे, तो जाहिर सी बात छे कि भोजपुर के कलाकार कभी यहाँ आशीर्वाद मिलबे करते छे कि नहीं। हाँ, जोरदार तालियां, बहुत हल्ला करे छे खाली। हाँ, हैगे नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो बहुत संस्कारी है ना, है कि नहीं। भागलपुर के लोग बहुत लोग देखे, पूर्णिया के लोग, मिथिलांचल के लोग बहुत संस्कारी हुए थे। एनो संस्कारी कहू नहीं भेटे थे। तो एक मैथिली भजन सुनाओ की पक्का आई जिये मेरे से। मिथिलांचल में एक शिव मंदिर थे, उगना महादेव, जाने छे यहाँ से मिथिलांचल से क्या कह, प्योर मिथिलांचल से कहीं लाइव दिखाओ नहीं हो। हाँ, और उगना महादेव का भजन पर्सनली हमरा बहुत अच्छा लगे थे, और हमरा विश्वास है कि अहाँ सबके भी निक लगे। तो हम गाओ मैथिली में, हम कहलो हम आ भागलपुरी भाषा में गई कि नहीं। मैथिली के रूप में, मैथिली शब्द की भाषा में उगना महादेव को, जो उनके सेवक हैं, जो हमेशा उनकी सेवा करते थे, और शिव जी इतने खुश थे कि वो नौकर बनकर उगना महादेव रहा करते थे उनके घर में। और अचानक कुछ ऐसी बात हुई कि उगना महादेव कहीं विलुप्त हो गए, और उनको पता चला कि वो जो मेरे घर में नौकर थे वो नौकर नहीं, साक्षात शिव जी थे, और उनको प्यार से उगना 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 कहा करते थे जो उनके सेवक थे। बहुत ही प्यारा सा भजन। और जब उनको पता चला कि शिव जी विलुप्त हो गए, उगना विलुप्त हो गए, तो वो जंगल जंगल भटक भटक कर उगना महादेव को कैसे वो बुलाते हैं फरियाद के माध्यम से। भजन की लाइन है, थोड़ा आवाज बढ़ानी। उगना रे,
बोलते हैं कि मैंने जो भी गलती की है उसको माफ कर दे गुना और आ जा मेरे पास। कैसे भोले बाबा से, भोले बाबा तो एक ही है, उनके नाम अनेकों हैं, जो हमें भी नहीं पता। तो जिनको जिनको प्यार है मिथिलांचल से, जो जो मतलब रखते हैं, बिलोंग करते हैं, वही उगना को समझ पाएंगे। अच्छा कका बुझे छो ना अपना है ये बात। तो कका हम चाहे थे कि अपना लेकिन ताली बजा दो। भागा अधिक पूर्णिया से छिया ना, पूर्णिया से छिया। हाँ चलिए ताली। हे रुगना, हे रुगना, हमर भग पिता कसा गेला रसना, कते किकरा तो विश्वास है कि उनका बेड़ा पार आज से होना शुरू हो गया होगा।